और बड़ी खबर क्यों रुक करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बताने जो आ रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता दें आपको, गृह मंत्री अनिल विज लगाएंगे जनता दरबार, फरियादियों की शिकायतें सुनेंगे। लंबे समय बाद जनता दरबार लगा रहे हैं। अंबाला से बड़ी खबर, अंबाला कैंट के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में ये जो जनता दरबार है वो लगाया जा रहा है गृह मंत्री अनिल विज द्वारा। बता दें आपको ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि लगातार वो जनता दरबार लगाते आ रहे थे, हालांकि किसी कारणवश जनता दरबार बीच में नहीं लग पा रहा था, लेकिन एक बार फिर से अब गृह मंत्री अनिल विज जनता दरबार हर शनिवार लगाने जा रहे हैं। फरियादियों की जो शिकायतें हैं सुनेंगे गृह मंत्री अनिल विज। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंबाला कैंट के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में ये जनता दरबार जो है वो लगने जा रहा है। गृह मंत्री अनिल विज लगाएंगे जनता दरबार, जहां पर जो फरियादी हैं वो अपनी फरियाद लेकर पहुंचेंगे। तो लंबे समय बाद ये जनता दरबार लगने जा रहा है। राज्य के गृह मंत्री अनिल विज जनता की समस्याओं को सुनेंगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फरियादियों की शिकायतों को सुनेंगे गृह मंत्री अनिल विज। तो शनिवार यानी आज पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जनता दरबार जो है वो लगने जा रहा है। गृह मंत्री अनिल विज ये जनता दरबार लगाने जा रहे हैं। अंबाला से बड़ी खबर, फरियादियों की जो शिकायतें हैं वो यहां पर सुनेंगे। लंबे समय बाद ये जनता दरबार लगने जा रहा है। बीएस गुलियानी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ताजा जानकारी के साथ। बीएस गुलियानी, काफी लंबे समय के बाद जनता दरबार लगने जा रहा है आज अंबाला में। जी बिल्कुल अंजलि, देखिए पिछले काफी समय से जो है अनिल विज का जनता दरबार नहीं लग रहा था, जिसके चलते जो प्रदेश भर के लोग थे वो अनिल विज के घर पर समय समय पर आकर अपनी समस्याएं बताते थे और अनिल विज उनका निवारण भी करते थे। लेकिन ये आज काफी लंबे समय बाद फिर आज अनिल विज जो है अंबाला कैंट के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जो है अपना जनता दरबार लगाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है खास बात, यहाँ हजारों की तादाद में जो है प्रदेश भर से लोग आते हैं अपनी समस्याएं लेकर, और अनिल विज तुरंत मौके पर ही उनकी समस्याओं का जो है निदान करते हैं। जी अंजलि, कितने बजे जनता दरबार लगने जा रहा है? जी 10:30 बजे जनता दरबार शुरू होगा, और उसके बाद जो है 1 बजे तक जितने लोग एंट्री कर जाते हैं वहां पर, तो उनकी समस्याएं जो है वो सुनी जाती हैं। ये दरबार कई बार रात देर रात तक भी चलता रहता है। जी अंजलि, बहुत बहुत शुक्रिया बीएस गुलियानी तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें गृह मंत्री अनिल विज आज जनता दरबार लगाने जा रहे हैं। 10:30 के करीब जनता दरबार शुरू हो जाएगा, फरियादियों की सुनेंगे शिकायतें। आपको बता दें राज्य के गृह मंत्री अनिल विज द्वारा ये जनता दरबार फरियादियों के लिए जो है वो एक बार फिर शुरू किया जा रहा है, ताकि अपनी जो फरियाद देकर दूर दूर से लोग आए हुए हैं उनकी फरियादों को सुना जा सके।